जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर। आज हमारी क्लास 5 रहेगी जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट की सीरीज रहेगी। डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके लिए क्वेश्चन ये रहते हैं, ताकि आपको हिंदी इंग्लिश मैं कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे नहीं आएगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ऐसा कौन सा आइसोटोप है जिसका यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज, जिसको हम चर्म रोग बोलते हैं। स्किन डिजीज को हम चर्म रोग बोलते हैं, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसका हम यूज करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, कौन सा ऐसा रेडियो आइसोटोप है जिसका हम यूज करते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपके पास रेडियो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका यूज किया जाता है टू द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिजीज। और फॉस्फोरस का एक आइसोटोप है जिसका नाम है P4। P4 जो है उसका जो सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये किसका एक ऐसा आइसोटोप है जो एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिएक्टिविटी शो करता है, और इसको प्रिजर्व रखने के लिए हम इसको वाटर के अंदर जो है वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जैसे एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये आग पकड़ लेता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या चेंज आता है? मतलब जो रेड ब्लड सेल है ह्यूमन बींग की, जब वो हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, काफ़ी हाई ऊंचाई पे जब वो जाता है, तो उसके अंदर क्या चेंज आता है? क्या उनका साइज बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, साइज कम हो जाता है, या फिर संख्या कम हो जाती है? तो जब भी हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, तो हमारे रेड ब्लड सेल जो हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, उनके नंबर जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में ऐसी कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है? मतलब विच सच हैवी मेटल इज फाउंड इन मॉडर्न टेनिंग इंडस्ट्रियल विच इज अ टॉक्सिक। तो जब भी ऐसी कोई रिसर्च की जाती है स्किन से रिलेटेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि इंडस्ट्रियल के ऊपर जो है वो कई बार रिसर्च की जाती है, तो वहाँ पे ऐसी कौन सी मेटल या कौन सी ऐसी धातु है जो पाई जाती है जो कि आपके लिए विषैली है, टॉक्सिक है, हानिकारक है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो काफ़ी ज़्यादा विषैली है, और उसके हमारी बॉडी के अंदर जाते ही उस ह्यूमन की जो है वो कुछ ही टाइम में डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्ट्रॉन्शियम लवण के द्वारा बुनसेन ज्वाला को कौन सा कलर प्रदान किया जाता है? कौन सा कलर जो है वो यहाँ पे मिलता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका किरमिंजी लाल, क्रिम्सन रेड कलर जो है वो यहाँ पे मिलता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और स्ट्रॉन्शियम का यूज किया जाता है फायर क्रैकर्स में, जो पटाखे हम दिवाली पे लेके आते हैं उसमें स्ट्रॉन्शियम सॉल्ट का यूज किया जाता है, उसकी वजह से जो पटाखों का रंग है वो कौन सा कलर आता है? रेड कलर आता है। और बेरियम के यूज से जो है वो उन पटाखों में ग्रीन कलर जो है वो दिया जाता है। तो रेड कलर ड्यू टू किसके कारण? स्ट्रॉन्शियम के कारण। आपको याद रखना है क्रिम्सन रेड कलर जो है वो स्ट्रॉन्शियम के कारण जो है वो यहाँ पे निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल कैसा होता है? मतलब जब भी कोई एक आदमी एक सैटेलाइट में ट्रेवल कर रहा है तो उसको जो है वो अपना भार नहीं उसको फील होता है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अर्थ की वो कैसी होती है? वो जीरो हो जाती है, या फिर उसको बैलेंस किया जाता है मून के अकॉर्डिंग, या फिर सेंट्रिपिटल फोर्स यहाँ पे लगती है, या फिर यहाँ पे कोई स्पेशल डिजाइन बनाया गया है सैटेलाइट के लिए? तो आपका इसका सही आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो है अभिकेंद्र बल जो है, जिसको हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, वो इक्वल हो जाती है, उस वजह से जो है वो हमें वहाँ पे
सैटेलाइट के अंदर जो व्यक्ति है उसको भार जो है वो महसूस है, नहीं होता है, भारहीन वो उसको लगता है, मतलब कि वेटलेस उसको वहां पे महसूस होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बने होते हैं? जो सबसे ज्यादा मोटर पावरफुल मैग्नेट आजकल हमारी इंडस्ट्रियल में आ रहे हैं वो किस चीज के बने होते हैं? तो ये जो है वो मिक्सचर होते हैं अलग अलग, आप बोल सकते हैं एलॉय से ही बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन सी एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकल और जो अन्य हमारी मिश्र धातुएं हैं एलॉय हैं उनके मिश्रण से जो है वो ये चीज बनाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? काफी अच्छे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं, आपको ये डेट के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे बताने हैं कि सबसे पहली ऐसी कौन सी चीज है जो हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताई थी, ये शायद 1920 तक बताई थी इन्होंने, ये आप एक बार चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक आप इसको जरूर करें, 1920 के आसपास बताई थी। मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी बताई थी वो भी 19 के आसपास है। मैडम क्यूरी को फर्स्ट नोबेल प्राइज मिला था, ये तो फिक्स है, 1903 में मिला है, दूसरा 1911 में मिला, दो बार मिला इनको। और मार्कोनी ने जो है वो प्रथम वेटलेस सिग्नल भेजा था, इसका जो है वो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे को इसका आइडिया नहीं है कि कब मिला था, लेकिन 18 सेंचुरी के आसपास इसकी हम बात कर सकते हैं क्योंकि मार्कोनी ने 20 के आसपास 19 सेंचुरी में कोई भी ऐसी कोई खास डिस्कवरी जो है वो हमें देखने को नहीं मिली थी। तो इसमें जो सबसे पहले जो काम किया गया है वो ऑप्शन सी है हमारा, मार्कोनी ने जो है वो फर्स्ट वेटलेस वायरलेस सिग्नल जो है वो भेजा था 18 सेंचुरी में हो सकता है। उसके बाद शायद मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी थी, उसके बाद हमारे पास आएगा मैडम क्यूरी को सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला, और उसके बाद आएगा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी। रिलेटिविटी के मेनली तीन पोस्टुलेट जो हैं वो बताए जाते हैं। सबसे पहला है आपके पास कि कोई भी चीज़ है वो स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से नहीं भाग सकती। दूसरे नंबर पे बताया गया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की, जब भी कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से भागती है या वापिस वो उस बैक में रिटर्न आती है तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज है या तो वो इंक्रीज करता है या तो फिर वो डिक्रीज करता है। लेंथ जो है उसकी वो कम या ज़्यादा होती है, जब हम उसके पास जाते हैं तो लेंथ बढ़ती है और अगर उससे दूर आते हैं तो लेंथ कम हो जाती है। ये आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं, जैसे अगर आप देखेंगे कि आप अपने घर में यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है वो कोई बड़ा सा पेड़ है, जैसे आप दूर जाते जाएंगे तो आपको पेड़ का साइज वो छोटा होता दिखता जाएगा, जैसे आप इसके नज़दीक जाएंगे नियर अबाउट तो पेड़ का साइज वो बढ़ता जाएगा, उस इफेक्ट को बोला जाता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और तीसरे नंबर पे ट्विन पैराडॉक्स का इन्होंने एक फिनोमिना दिया था कि जब भी कोई व्यक्ति दो, अगर ट्विन्स हैं, दो सगे भाई हैं, अगर एक को अंतरिक्ष में भेजा जाता है और एक को जमीन पे ही रखते हैं तो जब वो वापिस आएंगे तो दोनों की एज में जो है वो हल्का सा क्या बोलें, कम से कम 1-1.5 साल का जो है वो दोनों की एज में डिफरेंस आता है। ये आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, फोटोग्राफी में मुख्यतः कलर कौन से होते हैं? यहाँ पे आपसे जो है वो प्राइमरी कलर बेसिकली पूछे गए हैं कि फोटोग्राफी में कौन से मेन कलर हम यूज करते हैं। तो उसका राइट ऑप्शन है आपके पास रेड, ब्लू, ग्रीन, लाल, नीला और हरा, ये हमारे प्राइमरी कलर्स हैं जिनको हम मेनली यूज करते हैं और इन्हीं के मिक्सचर से हमारे जितने भी कलर हैं वो हमारे बने हैं। अगला क्वेश्चन है, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें बुलबुले उठते हैं और कौन सी गैस वहां से रिलीज होती है? ये हमने पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसमें हमने सोडे के ऊपर डिस्कस की थी, इसमें खाने वाले सोडे के ऊपर बात की गई है, बेकिंग सोडे के ऊपर बात की गई है। तो इसमें CO2 जो है वो हमारी रिलीज होती है, जिसका फॉर्मूला है हमारे पास CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? इसका मतलब है कि जब आप एक कोई फोटो यहाँ पे निकालते हैं तो कौन सा ऐसा फोटो है जो सबसे लंबे टाइम तक जो है वो रह पाएगा, सबसे लंबे टाइम तक वो रह पाएगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने कलर प्रिंट करवा लिया या फिर आपने दूसरी बार फिर से आपने फिक्सर के बिना कलर प्रिंट करवाया, यहाँ पे कोई फिक्सर है, यहाँ पे आपके पास फिक्सर नहीं है बट आपने प्रिंट करवा लिया, यहाँ पे श्वेत श्याम का मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट आपने प्रिंट करवाया, और यहाँ पे आपको बोला है
कि आपने कंप्यूटर के थ्रू ब्लैक एंड व्हाइट जो वो प्रिंट करवाया, तो ज्यादा टाइम तक जो प्रिंट हमारा रहेगा वो है ऑप्शन सी, ब्लैक एंड व्हाइट जो है उसकी शेड में कोई भी ज्यादा डिफरेंस नहीं आता और वो सबसे लंबे टाइम पीरियड तक जो है वो रह पाएगा। लेकिन बाकी जो हमारे दो कलर वाले हैं, इनका कलर कुछ टाइम के बाद हल्का सा मिट जाता है, और जो हमारे बाय कंप्यूटर से है, जब भी हम ब्लैक एंड व्हाइट करवाते हैं तो उसमें भी हमारी जो इंक है वो हल्की सी क्या हो जाती है, वहां से हट जाती है। तो इस वजह से जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन सी, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ज्यादातर HPSSC के एग्जाम में और आपके JOIT के एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। हिमाचल पुलिस में ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, HP पटवारी के पेपर में पूछे गए हैं, उसके बाद आपके पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम में पूछे गए हैं, HP हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर और क्लैरिकल के एग्जाम में, साथ में आपसे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिनकी हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो जो है वो डेली आपके लिए यहाँ पे लेके आते हैं। आप टेलीग्राम के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं। डे टू डे के करंट अफेयर PDF स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप्स में प्रोवाइड करवाया जाता है। टेस्ट सीरीज के लिए आप जो है वो www.vijaypatheducation.com के ऊपर जाके या फिर प्ले स्टोर से विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके आप हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जल्दी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।